हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आज हम बात करेंगे इंजेक्शन लॉक के बारे में, जो पशु पर कैसे काम करता है, क्या इसकी डोज रेट है, पशु को किस रूट से लगाया जाता है, पशु पर कैसे काम करता है, किन किन पशुओं में लगाया जाता है, क्या क्या इसके अंदर साल्ट आते हैं, वह पशु में कैसे काम करता है, उन सभी के बारे में डिटेल से बात करेंगे। वीडियो लंबी भी हो तो प्लीज़ स्किप करके ना देखें, वीडियो को प्लीज पूरी देखें। लोक इंजेक्शन के अंदर पाइरोक्सिन, केम व पैरासीटामोल आते हैं। इसके अंदर 100 mg प्लस 1500 mg पैरासीटामोल आता है, जो मुख्यतः दर्द, बुखार, सूजन के अंदर काम में लिया जाता है। एनाल्जेसिक है, एंटीबायोटिक है, इन सभी के अंदर काम में लिया जाता है। इंट्रामस्कुलर के द्वारा लगाया जाता है, यानी IM लगाया जाता है। किन किन आपको किन लक्षण दिखे तब यह इंजेक्शन लगाना है। दर्द व सूजन में जल्द राहत पाने के लिए यह इंजेक्शन का काम में लिया जाता है, या लंगड़ापन दूर करने के लिए यह इंजेक्शन काम में लिया जाता है। मुख्यतः कई बार देखा थनीला रोग हो जाता है, उस अवस्था में अडर व गादी सूज जाती है, तो थनों के सूजन को ठीक करने व दर्द को कम करने के लिए काम में लिया जाता है। यदि आपके पशु को बहुत तेज़ बुखार हो, उस अवस्था में भी यह इंजेक्शन बहुत शानदार रिजल्ट देता है। छोटे पशुओं में इसकी डोज रेट 2 से 5 ml होती है, बड़े पशुओं में इसकी डोज रेट 10 से 15 ml होती है। इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है, यह 30 ml व 100 ml की पैकिंग में उपलब्ध है। बहुत शानदार इसका रिजल्ट है, बहुत शानदार यह प्रोडक्ट है। किसी को मंगवाना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज करें या मेरी पर्सनल नंबर पर कॉल करें। आपको अन्य किसी प्रकार की बीमारी के ऊपर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेरे नंबर पर कॉल करें या कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।